हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुप्रिकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गंगा नदी का उद्गम एवं पंच प्रयाग, इसे हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे संतो पंत हिमानी बद्रीनाथ से दो नदियां निकलती हैं, एक है नदी विष्णु गंगा और दूसरा है धौली गंगा। ये दोनों नदी आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग पे। जब दो नदियों की गहराई समान हो, लगभग बराबर हो, तो आपस में मिलने के बाद उन नदी का नाम क्या है, चेंज हो जाता है। ये नदी दोनों आपस में कहाँ पे मिली है, विष्णु प्रयाग पे। विष्णु प्रयाग के बाद ये नदी जो है अलकनंदा नाम से आगे जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अलकनंदा आगे जाती है तो इसमें एक इधर से नदी आती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी आके अलकनंदा में मिलती है नंद प्रयाग पे। प्रयाग का मतलब होता है संगम। जब दो नदियां आपस में मिले तो मिलन स्थल को ही प्रयाग बोला जाता है या संगम कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अलकनंदा यहाँ से मिलने के बाद आगे जाती है तो इधर से एक नदी आती है पिंडार नदी। पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा में कर्ण प्रयाग पे। कर्ण प्रयाग पे मिलने के बाद अलकनंदा नाम से ही आगे जाती है। फ्रेंड्स, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकली है और ये आके मिली है रुद्रप्रयाग पे, ठीक है। रुद्रप्रयाग पे मिलने के बाद देखा गया कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में दोनों में गहराई किसका ज्यादा है, अलकनंदा का। तो अलकनंदा जिस नदी का गहराई ज्यादा उसी नदी के नाम पे ये नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ से मिलने के बाद रुद्रप्रयाग के बाद जो है अलकनंदा नाम से ये नदी आगे जाएगी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी में आगे चल के एक नदी भीलांगना नदी जो है इसमें मिलती है। फ्रेंड्स, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम के पास में एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी डैम या टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसके सपोर्ट में एक अलग से थोड़ा दूरी पे इसे बनाया गया जिसका बांध बनाया गया जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। और भागीरथी नदी आगे जाके अलकनंदा में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी की गहराई लगभग सेम है यानी बराबर है। बराबर होने के कारण इन नदी का नाम यहाँ से ये चेंज हो जाता है, गंगा नदी के नाम से जाना जाता है और इनके मिलन स्थल को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा पंच प्रयाग है। पंच प्रयाग के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। पंच प्रयाग में पहला जो है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम से बना है। और दूसरा है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग जो है नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पे बना है। तीसरा है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग जो है पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम पे है। और चौथा है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग जो है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पे है। और पांचवा है हमारा देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पे बना है। देवप्रयाग के बाद ये दोनों नदी आपस में मिलने के बाद जो है आगे गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा पंच प्रयाग है, पंच प्रयाग को याद करने के लिए इसे हम एक शानदार ट्रिप के माध्यम से अब जानेंगे। फ्रेंड, चलिए देखते हैं आगे। ये पंच प्रयाग का ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारा, बना कर्ण रुद्र देव, ब से विष्णु प्रयाग, न से नंद प्रयाग, कर्ण से कर्ण प्रयाग, रुद्र से रुद्र प्रयाग और देव से देव प्रयाग। फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।